अयोध्या राम मंदिर मामले के फैसले को लेकर गाजियाबाद डीएम और एसएसपी ने संभ्रांत लोगों के साथ पीस मीटिंग की, जिसके चलते जिले में आज से धारा 144 लागू हो गई है। सभी लोगों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि फैसला जो भी आए उसका स्वागत किया जाए। ढोल नगाड़ों के साथ जश्न कोई नहीं मनाएगा, खासकर सोशल मीडिया पर कोई भी अफवाह न फैलाएं। जो भी सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं देखिए, ये क्योंकि इस प्रकरण की सुनवाई माननीय उच्चतम न्यायालय में पूरी हो चुकी है और किसी भी दिन फैसला आ सकता है, तो ये जो पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, इसमें जो हमारी जो जिले की पीस कमेटी उसके सारे सदस्य थे और जो हमारे धर्माचार्य हैं विभिन्न धर्मों के वो भी लोग थे और उनके साथ बातचीत की गई और केवल ये संदेश उनको दिया गया, ये बात उनके सामने रखी गई, क्योंकि ये भारत के न्यायिक व्यवस्था की जो उच्चतम संस्था है, सर्वोच्च न्यायालय है, उनका निर्णय है। इसलिए जो भी निर्णय आएगा उसको हम लोगों को शिरोधार्य करना है। जैसे मैं कोई फैसला आता है, फैसला आने के बाद लोग उसको स्वीकार करते हैं, ना तो कहीं कोई जश्न का माहौल होता है, ना कोई हार जीत की भावना होती है, तो एक बड़े स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से इस फैसले को लेने की बात कही गई। सर, सुरक्षा के लिहाज से कितने सेक्टर में बांटा गया है? देखिए, सुरक्षा की तो पूरी चाक चौबंद व्यवस्था हम लोग करेंगे ही करेंगे। हालांकि गाजियाबाद की जो परंपरा है, यहाँ के जो नागरिक हैं बहुत ही समझदार लोग हैं, ऐसा कोई अप्रिहेंशन नागरिकों की तरफ से आएगा नहीं और ऐसा लोगों ने आश्वासन भी दिया है। लेकिन हम लोग बहुत रूट लेवल पर जा करके स्थितियों पर नज़र रखेंगे और जैसे चुनाव में प्रबंध होता है कि हम सेक्टर मजिस्ट्रेट भी बनाते हैं, जोनल मजिस्ट्रेट बनाते हैं, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट बनाते हैं, उसके ऊपर हमारे एसडीएम और मजिस्ट्रेट होते हैं, तो उस तरह की व्यवस्था हम यहाँ करा रहे हैं। जो लोग सर शांति भंग करने की कोशिश करेंगे असामाजिक तत्व, उनकी निगरानी के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? खासतौर पर सोशल मीडिया की बात करें तो उस पर भी क्या निगरानी रखी जा रही है? ये इस बैठक में भी इस बात पर चर्चा हुई है कि सोशल मीडिया के पर जो खबरें आती हैं उससे हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, उस पर जो भी खबरें फ्लैश हो रही हैं उस पर बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बिना पुष्टि किए हुए खबर को प्रसारित करना, जो अंतिम रूप से जो प्रसारित करता है वो भी उस अपराध का भागी होता है। इसलिए सबको बताया गया है कि बिना कोई पुष्टि किए हुए सोशल मीडिया की खबर पर न तो वो विश्वास करें, न ही उसको कहीं आगे बढ़ाएं। धारा 144 लागू है, ये आगे भी कंटिन्यू करेगी। 30 नवंबर तक धारा 144 लागू है। सर, जो इस तरह की बातें फैलाएंगे सोशल मीडिया पे उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा किस तरह? देखिए, सख्त से सख्त कार्रवाई जो हो सकती है वो कार्रवाई की जाएगी और इसमें प्रशासन की जो मंशा है, प्रशासन की जो तैयारी है वो बहुत ही सख्त है। किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज इसमें है नहीं। सर, आपने कहा जश्न पर रोक है, क्या ढोल नगाड़े डीजे इस तरीके के बाजी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, न तो कोई पराजित पक्ष है, न कोई जीता हुआ पक्ष है। जैसे हमने आपसे पहले कहा कि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से हमको इस फैसले को लेना है। सर, कोई इनपुट है कि फैसले को लेकर के किस तरह की कोई जो है? कोई ऐसा कोई इनपुट नहीं है। और क्योंकि आपने जैसा आपको मालूम हुआ कि जब 2010 में फैसला आया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय का इस प्रकरण पर, उस समय भी एक सतर्कता प्रशासन की तरफ से बरती गई थी और आपने देखा होगा कि पूरे देश में कहीं कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी, गाजियाबाद ही पूरी तरह से शांत रहा था। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि 2019 में भी जो हमारा फैसला आने वाला है उसमें भी पूरा हमारा गाजियाबाद शांत रहेगा।